हाय गाइस, आप सबको भक्ति एंड टेक्नोलॉजी चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक में डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है RLC बैंड पास फिल्टर, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर का मदद से हम लोग कैसे बैंड पास फिल्टर बना सकते हैं, उसका ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। RLC बैंड पास फिल्टर कैसे काम करता है, वो जानकारी लेने से पहले हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो कोई भी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग एक कैपेसिटर और एक कॉइल, दैट्स मीन इंडक्टर, कैसे बिहेव करता है, उसका ऊपर जानकारी लेंगे। सबसे पहले आते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को अगर हम लोग XC से रिप्रेजेंट करते हैं तो XC इक्वल टू 1/2πfC होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमेशा फ्रीक्वेंसी का साथ, F का साथ क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट्स मीन F फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो XC घटेगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा तो XC बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, जब फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है तो देन XC क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस इक्वेशन से XC जब बढ़ेगा तो एक कैपेसिटर क्या करेगा, उस फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा। तो इस कैपेसिटर जनरली क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो XC क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। XC कम हो रहा है, ए पे XC कम हो रहा है, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रहा है, पास करेगा। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटर पास हाई फ्रीक्वेंसी। अभी आते हैं इंडक्टर का ऊपर। इंडक्टर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो XL इक्वल टू क्या होता है, 2πfL होता है। यही पे देखिए, XL हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। तो वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग XL कैसे बिहेव करेगा, जब फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है तो XL भी कम हो जाएगा। तो एक क्या हो जाता है, उस फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है तो उस फ्रीक्वेंसी को इंडक्टर क्या करेगा, पास करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, एफ इंक्रीज होता है, तो XL क्या हो जाएगा, XL भी बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो भी बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ जाएगा तो हाई फ्रीक्वेंसी को इंडक्टर क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो हम लोग यहीं पे दो चीज़ देखा है, एक है कैपेसिटर और इंडक्टर क्या है, मतलब फंक्शनल एक दूसरा का ऑपोजिट है। ऑपोजिट मतलब क्या है, ये अगर हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है तो ये हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर रहा है, ये अगर लो फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है तो ये लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर रहा है। और इस कैरेक्टरिस्टिक्स को यूटिलाइज करते हैं हम लोग हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर बनाते हैं, और जिसका मदद से एक बैंड पास फिल्टर बनाते हैं। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे एक RLC बैंड पास फिल्टर काम करता है। RLC बैंड पास फिल्टर और बैंड स्टॉप फिल्टर क्या होता है, देखिए बैंड पास फिल्टर में एक लोअर फ्रीक्वेंसी होगा और एक अपर फ्रीक्वेंसी होगा। तो जिसका बीच वाला फ्रीक्वेंसी को पास करेगा और उसका बिलो और अबव फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा। तो इसको अगर लोअर फ्रीक्वेंसी FL है तो लो लेवल फ्रीक्वेंसी ब्लॉक, मतलब उससे बिलो कोई भी फ्रीक्वेंसी है उसको ब्लॉक कर देगा। और FH हाई लेवल फ्रीक्वेंसी ब्लॉक, मतलब उससे आगे का कोई हाई लेवल फ्रीक्वेंसी आएगा उसको ब्लॉक कर देगा। तो या FM क्या होता है, मिडिल फ्रीक्वेंसी, मतलब FL और FH का बीच का जो फ्रीक्वेंसी उसको पास करेगा। अभी देखिए बैंड स्टॉप फिल्टर क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट है। इसका ऑपोजिट मतलब कैसा है, ये क्या करेगा, जो लो लेवल फ्रीक्वेंसी पास करेगा, मतलब जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसका बिलो कोई भी फ्रीक्वेंसी होगा उसको पास कर देगा, एंड जो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा FH है उसका, उससे ज़्यादा कोई भी फ्रीक्वेंसी होगा तो उसको पास करेगा। बट FL और FH का बीच वाला जो फ्रीक्वेंसी है, उस बैंड का जो फ्रीक्वेंसी है उसको ब्लॉक करेगा, दैट्स मीन फिल्टर आउट करेगा। तो ये हो गया आपका बैंड पास फिल्टर और ये हो गया बैंड स्टॉप फिल्टर। अभी आइए हम लोग डिस्कस करते हैं RLC पैरेलल बैंड पास फिल्टर। RLC जो फिल्टर है हम लोग एक पैरेलल सर्किट से बना सकते हैं L और C का मदद से, और इसको सीरीज में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए पैरेलल का सर्किट डिजाइन कैसे होता है, काम कैसे करता है।
एक पे रेजिस्टेंस होता है और एक पे इंडक्टर है, एक पे कैपेसिटर है। अभी हम लोग पहले डिस्कस किया जो इंडक्टर जो होता है ये क्या करता है, अभी जो लो फ्रिक्वेंसी है उसको पास करेगा, हाई फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करेगा। अभी जब ए पे एक फ्रिक्वेंसी आएगा उसका लोअर फ्रिक्वेंसी, दैट्स मीन ये जो एफ एल है, ये एफ एल क्या हो जाएगा, इधर से कट ऑफ हो जाएगा, मतलब इधर से पास हो जाएगा। तो ए पे हमें क्या मिलेगा, एफ एच, मतलब जो हाई फ्रिक्वेंसी है वो आगे पास हो जाएगा। ये हाई फ्रिक्वेंसी जब ए पे आएगा तो जो मैक्सिमम लिमिट का फ्रिक्वेंसी है, ए पे जो मैक्सिमम लिमिट का जो ए फ्रिक्वेंसी है, ए फ्रिक्वेंसी ए पे क्या कैपेसिटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी को पास करता है, लो फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करता है। तो ये क्या करेगा, इससे एफ एच से बिलो जो फ्रिक्वेंसी है उसको ब्लॉक कर देगा, बट एफ एच से ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी है उसको पास कर देगा, मतलब इधर से फ्रिक्वेंसी आउट कर देगा। तो यही पे हमें जो अगर इसका अकॉर्डिंग आउटपुट मिले तो एक क्या मिलेगा, एफ एल और एफ एच का बीच बड़ा एफ एम जो फ्रिक्वेंसी है वो हमें आउटपुट मिल जाएगा। एफ पे देखिए इंडक्टर क्या कर रहा है, हाई फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर रहा है, लो फ्रिक्वेंसी को पास कर रहा है। कैपेसिटर क्या कर रहा है, हाई फ्रिक्वेंसी को पास कर रहा है, लो फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर रहा है। और जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, आपको 1/fr इक्वल टू 1/2πLC। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी देखिए जो सीरीज RLC बैंड पास फिल्टर कैसे काम करता है। तो पहले हम लोग देखा था ये जो इंडक्टर और ये जो कैपेसिटर है पैरेलली लगा के हम लोग जो पैरेलल RLC बैंड पास फिल्टर बनाया था। अभी देखिए यहीं पे अगर सीरीज में एक इंडक्टर उसके बाद एक कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को इन दोनों का साथ पैरेलल में जब लगाते तब हमें कैसे मिलेगा, जब यहीं पे कोई भी फ्रीक्वेंसी आएगा तो इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर हमेशा ब्लॉक हाई फ्रिक्वेंसी या लो फ्रिक्वेंसी को पास करता है। तो ये हाई फ्रिक्वेंसी यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा, हाई फ्रिक्वेंसी जब यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा तो यहीं पे हमें लोअर फ्रिक्वेंसी आगे पास हो जाएगा। मान लीजिए यहीं पे हम लोग यहीं पे एक 20 MHz से लेके 50 MHz का एक बैंड पास फिल्टर चाहिए। तो यहीं पे जब 50 MHz का फ्रीक्वेंसी पहुंचेगा तो 50 MHz से बिलो वाला जितना फ्रीक्वेंसी है आगे पास हो जाएगा, तो 50 MHz यहीं पे ब्लॉक हो गया। तो 49.99 MHz फ्रीक्वेंसी तक यहीं पे पहुंचा। अभी देखिए इसको कैपेसिटर का वैल्यू ऐसे रखना है जो ये क्या करेगा, 20 MHz, मतलब ये जो लो फ्रीक्वेंसी 20 MHz को ब्लॉक करेगा और उसका ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी आगे पास कर देगा। तो यही पे हमें क्या हो जाएगा, इसका जो आउटपुट हो जाएगा 20 से लेके 50, क्योंकि यही पे 50 ब्लॉक हो गया था, यही पे 20 ब्लॉक हो गया। तो इसका जो FM हमें मिलेगा 20 से लेके 50 MHz हमें आउटपुट मिलेगा। और ये जो FM का वैल्यू तो मैक्सिमम कब होगा, वी आउट, मतलब ये जो वोल्टेज फ्रीक्वेंसी का एक वोल्टेज का पीक टू पीक वोल्टेज होता है वो विल मैक्सिमम एट FM, दैट इज मिड लेवल। जब मिड लेवल का फ्रीक्वेंसी होगा तब ये आर का अकॉर्डिंग हमें जो वोल्टेज मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, वो सबसे ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड यहीं पे हमें पता चला RLC का मदद से कैसे एक बैंड पास फिल्टर बना सकते हैं जहाँ पे उसका कॉम्बिनेशन होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी आइए एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में बैंड स्टॉप फिल्टर कैसे बना सकता है आर और एल और सी का मदद से। यहीं पे देखिए जो ये सर्किट डिज़ाइन है, यहीं पे एक कैपेसिटर है, यहीं पे कॉइल है। तो जब यहीं पे कोई भी फ्रीक्वेंसी आएगा तो उस फ्रीक्वेंसी का जो लो वाला फ्रीक्वेंसी है, तो लो वाला फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इस कैपेसिटर थ्रू पास हो जाएगा। तो लो और जो हाई वाला फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगा, इस मान लीजिए हमें यहीं पे एक 20 MHz से लेके 50 MHz का बीच का पैरेलल बैंड स्टॉप फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो 20 MHz और 50 MHz का बीच का जो फ्रीक्वेंसी है ये स्टॉप करना है इसको। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सर्किट ऐसे डिज़ाइन करेंगे जो L का वैल्यू और कैपेसिटर का वैल्यू ऐसे रखेंगे। देखिए
हमें पता है कैपेसिटर क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है, और सॉरी इंडक्टर क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है और कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है। तो इन दोनों का वैल्यू ऐसे रखना है, जहाँ पे 20 मेगाहर्ट्ज़ से कम फ्रीक्वेंसी आएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 20 मेगाहर्ट्ज़ से कम फ्रीक्वेंसी आएगा तो इस कॉइल थ्रू इंडक्टर थ्रू आगे पास होके यहीं पे मिल जाएगा, क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है। और जब 20 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा कोई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा तो ये तो ब्लॉक कर देगा, और वही फ्रीक्वेंसी अगर इधर भी आए तो वो भी कैपेसिटर पास नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है कैपेसिटर लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है, हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है। इसका वैल्यू हम लोग इतना रखा है जो 50 मेगाहर्ट्ज़ तक ये बिल्कुल पास नहीं करेगा। तो हमें क्या हो गया, यहीं पे 20 से लेके 50 मेगाहर्ट्ज़ ब्लॉक हो गया। अभी जब 50 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहीं पे आ गया, मान लीजिए 51 मेगाहर्ट्ज़ आया, तो 51 मेगाहर्ट्ज़ तो इसका थ्रू पास हो गया, उस टाइम इसका हमें ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। तो हम लोग इस सर्किट का मदद से 20 मेगाहर्ट्ज़ का बिलो वाला फ्रीक्वेंसी, दैट्स मीन इधर वाला फ्रीक्वेंसी, और 50 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा वाला फ्रीक्वेंसी, मतलब दैट्स मीन इधर वाला फ्रीक्वेंसी को पास कर दिया, बट बीच वाला जो फ्रीक्वेंसी है उसको ब्लॉक कर दिया। तो ऐसे हम लोग एक पैरेलल आरएलसी बैंड स्टॉप फिल्टर बना सकता है। अभी देखिए सीरीज आरएलसी बैंड स्टॉप फिल्टर, तो इसके लिए देखिए एक रेजिस्टेंस होता है, उसका साथ सीरीज में एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर लगा रहता है। एक इंडक्टर और कैपेसिटर का वैल्यू इतना होना चाहिए जो इसने लोअर फ्रीक्वेंसी और अपर फ्रीक्वेंसी का ऊपर और नीचे वाला फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, बट पर उसका बीच वाला फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा। तो इसको एग्जांपल का साथ हम लोग समझते हैं। मान लीजिए हमें यहीं पे आउटपुट चाहिए 20 मेगाहर्ट्ज़ का बिलो वाला फ्रीक्वेंसी चाहिए और 50 मेगाहर्ट्ज़ का अबव वाला फ्रीक्वेंसी चाहिए, बट उसका बीच वाला फ्रीक्वेंसी हमें नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है इंडक्टर हमेशा क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है, हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है। तो और कैपेसिटर क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है, लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 20 मेगाहर्ट्ज़ को ब्लॉक करने के लिए यूज़ करेंगे, और इंडक्टर को क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी जो 50 मेगाहर्ट्ज़ को ब्लॉक करने के लिए यूज़ करेंगे। अभी देखिए यहीं पे जब कोई फ्रीक्वेंसी 20 मेगाहर्ट्ज़ से बिलो आया, तो 20 मेगाहर्ट्ज़ से बिलो है तो इंडक्टर तो आराम से उसको कंडक्ट करता है, लेकिन कैपेसिटर उसको ब्लॉक कर देगा। तो वो 20 मेगाहर्ट्ज़ से बिलो वाला फ्रीक्वेंसी हमें क्या हो जाएगा, इधर से आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि इधर से उसको पास नहीं हो पाया, ये इधर से पास नहीं हो पाया तो इधर से चला जाएगा, एज ए आउटपुट हमें मिल जाएगा। अभी जब 20 मेगाहर्ट्ज़ से अबव फ्रीक्वेंसी आया, तो 20 मेगाहर्ट्ज़ से अबव फ्रीक्वेंसी हो तो आराम से, क्योंकि कैपेसिटर जो कॉइल है ये कॉइल क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी को पास कर देता है, हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है। तो 20 मेगाहर्ट्ज़ आराम से इधर से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और ये जो कैपेसिटर का वैल्यू हम लोग ऐसे रखा है, ये लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है, लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है, मतलब आपको 20 मेगाहर्ट्ज़ से बिलो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा, लेकिन 20 मेगाहर्ट्ज़ से हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर देगा। तो ये जब 20 मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर कोई 21, 22 ऐसे करते जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो आराम से इधर से बाईपास हो जाएगा, तो मतलब फिल्टर आउट हो जाएगा। तो यही पे हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। अभी देखिए जब 50 मेगाहर्ट्ज़ हो गया, तो 50 मेगाहर्ट्ज़ जब फ्रीक्वेंसी पहुंच गया, तब ये जो इंडक्टर है ये क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी ब्लॉक करता है, क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग ऐसे कैलकुलेट करके यहीं पे लगाया जो इस 50 मेगाहर्ट्ज़ का बाद जाके मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ब्लॉक करने का जो उसका प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग उसने ब्लॉक कर देगा। तो क्या हो जाएगा, तो 50 मेगाहर्ट्ज़ तक यहीं पे हमें कोई आउटपुट नहीं मिला, लेकिन जैसे फ्रीक्वेंसी जस्ट 50.1 मेगाहर्ट्ज़ हुआ, तो क्या हुआ, ये 50 मेगाहर्ट्ज़ इधर से ब्लॉक होने का नाते क्या हो जाएगा, ये इधर से हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो हमें क्या देखा, जी 20 मेगाहर्ट्ज़ से बिलो हमें यहीं पे आउटपुट मिल रहा है, 20 से लेके 50 मेगाहर्ट्ज़ यहीं पे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है,
और फिर 50 मेगाहर्ट्ज से ऊपर जैसे जा रहा है तो एक कैपेसिटर तो सॉरी इंडक्टर तो इस 50 मेगाहर्ट्ज से ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा, तो यहीं पे हमें वो फ्रीक्वेंसी यहीं पे अवेलेबल होगा तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। यहीं पे उसका अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये देखिए एफ एल ए एफ एच ए एफ एल वाला जो आउटपुट हमें यहीं पे मिल जाएगा, एफ एच से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का आउटपुट यहीं पे मिल जाएगा, बट उसका बीच वाला फ्रीक्वेंसी बनता है एफ एम जो मिडिल फ्रीक्वेंसी उसका आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।